राष्ट्रवाद के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये मानव जाति को 21वीं सदी की सबसे बड़ी मुसीबत को सॉल्व करने से रोक सकता है, और वो है धरती का बढ़ता हुआ टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज। कोई भी एक देश ग्लोबल वार्मिंग और बुरे होते क्लाइमेट को अकेले नहीं रोक सकता, और ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला संबंध है राष्ट्रवाद और क्लाइमेट चेंज में। दोस्तों, ये स्टेटमेंट है एक बड़ी ही किताब सेपियंस लिखने वाले ऑथर युवल नोहा हरारी का। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यकीन मानिए आप इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट बॉक्स पे थैंक्स लिख कर जाएंगे। हरारी ने ये बात एक इंटरव्यू में कही थी। वैसे बात भी दुरुस्त है कि कोई एक देश अकेले क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, और इसलिए अगर सारे देश सिर्फ अपने अपने बारे में सोचने लगे तो उसको सॉल्यूशन निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस सॉल्यूशन में एक नया स्टेप लिया गया है चाइना की तरफ से। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2021 की यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में यह अनाउंस किया कि चाइना अब विदेशों में किसी भी कोल पावर प्लांट को फंड नहीं करेगा। यह अपने आप में एक नीडेड स्टेप है, और ऐसे कई स्टेप्स की दुनिया को बेहद ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज चाइना के स्टेप पर हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि दुनिया के बाकी देश इस पर कितने कॉशियस हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना ने फॉरेन लैंड्स पर कोल पावर प्लांट्स को फंड ना करने का स्टेप जापान और साउथ कोरिया से इंस्पायर होकर लिया है। अगर ऐसा है भी तो अच्छा है, और अगर इंस्पिरेशन नहीं भी ली है तो भी अच्छा स्टेप है। दोस्तों, लास्ट ईयर जुलाई 2020 में जापान ने यह फैसला किया कि अब फॉरेन लैंड्स पर जापान कोई भी कोल फायर्ड पावर प्लांट को फाइनेंस और स्पॉन्सर नहीं करेगा, और 2021 के बाद ये फाइनेंस बंद हो जाएगा। फिर साल अप्रैल में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाए इन ने ये अनाउंस किया कि साउथ कोरिया अब फॉरेन लैंड्स पर किसी भी कोल पावर प्लांट के लिए पैसा नहीं देगा। जानकारी के तौर पर अगर बताऊं तो जर्मनी, फ्रांस और USA भी ऐसी फाइनेंसिंग में थे, लेकिन फिर इस स्पॉन्सरशिप को बंद कर दिया गया। अगर डेटा के तौर पर देखें तो करेंटली जितना दुनिया के बाकी देश मिलाकर भी कोल बेस्ड प्लांट को फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा चाइना अकेले हजारों मेगावाट के प्रोजेक्ट्स को दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों में फंड कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जहां रेस्ट ऑफ द कंट्रीज 6400 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स को फंड कर रही हैं, वहीं चाइना अकेले 36,680 मेगावाट के कोल पावर्ड प्लांट्स को फंड अभी भी कर रहा है। दोस्तों, बॉस्टन यूनिवर्सिटी ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी सेंटर के डेटा के मुताबिक साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सर्बिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE, इन सारे देशों में 20 चाइनीज फंडेड कोल फायर्ड प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, और लगभग 17 कुछ और देशों को मिलाकर के प्लानिंग के स्टेज में है। जापान इस साल तक 1200 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स की भी फंडिंग बंद कर देगा, और चाइना के इस पूरे फंड की वैल्यू तकरीबन 50,019 मिलियन $ है, यानी कि ऑलमोस्ट 50.019 बिलियन डॉलर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये फाइनेंस अब बंद क्यों होते जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण तो क्लाइमेट ही है, चाहे रिसेंटली हैती में आया भूकंप हो या फिर खुद चाइना में आई बाढ़। क्लाइमेट का सीधा नाता हर कंट्री से है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IPCC, UN से लेकर सिविल ऑर्गेनाइजेशंस भी इन सारी कंट्रीज पर एक प्रेशर बना रही थी, जो कि ज़रूरी भी था कि इन प्लांट्स को बंद किया जाए। दूसरा कारण है दोस्तों, कोल पावर प्लांट्स के लिए पहले उन्हें इम्पोर्ट करना होता है, फिर उनका फ्रेट ट्रांसपोर्ट, फिर उनका स्टोरेज, और फिर इनके जलने के लिए फ्लाई ऐश और दूसरे वेस्ट मैटर का रिलीज, और फिर उसको वॉश ऑफ करने में पानी की हद से ज़्यादा लागत लगती है। वो आपने कहावत सुनी है ना, हाथी पालने वाली बात, तो कुछ ऐसा ही है। इसी के चलते 35 से ज़्यादा देशों ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और टर्की में नए कोल प्लांट्स बनाने की कीमत रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स बनाने से कहीं ज़्यादा है। तीसरा रीज़न दोस्तों, कोविड के बाद बहुत से ऑफिसेस अब वर्क फ्रॉम होम हो चुके हैं। लोग वीडियो कॉल्स पर अब मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। ट्विटर ने तो लास्ट ईयर अपने एम्प्लॉयज की पूरी ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी ऑप्शन कर दी है। तो ऐसे में कई ऑफिसेज और कॉरपोरेट प्लेसेस की पावर डिमांड्स भी पहले जैसी नहीं रही है। तो जैसा कि यूजुअल डे टाइम में कोल प्लांट्स पर ही ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, वो अब कम हो चुका है। तो कई देश अब रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं।
दोस्तों चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के इस अनाउंसमेंट के एक दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज को 11.4 बिलियन यूएस डॉलर मदद की बात की, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को व्यू पॉइंट में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर काम कर सकें। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनिया ग्यूटरस ने दोनों टू वर्ल्ड पावर कंट्रीज की इस मदद को अप्रिशिएट किया है। दोस्तों इस साल अगस्त में फिनलैंड की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA ने ये रिपोर्ट किया कि चाइना अभी 43 न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स और 80 नए ब्लास्ट फर्नेसेस बनाने का प्लान कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के कार्बन एमिशन में 1.5% का इंक्रीमेंट और हो जाएगा। इस रिपोर्ट को फिर टाइम्स मैगजीन ने भी रिपोर्ट किया। आपको ये परसेंटेज छोटी लग रही होगी, बट यकीन मानिए अर्थ अब इस स्टेज पर नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में इवन 0.01% की भी इंक्रीमेंट हो। 1.5% तो बहुत ही बड़ा मैग्नीट्यूड है। दोस्तों IEA के मुताबिक 2018 में पूरी दुनिया का CO2 एमिशन 33.5 गीगाटन था, और इसमें 9.52 गीगाटन ऑफ CO2 एमिशन अकेले चाइना ने किया था। यानी अकेले चाइना ने एमिशन 28.5% किया था, जो पूरी दुनिया में किसी भी देश का नहीं था। USA का CO2 एमिशन 4.92 गीगाटन था। लास्ट ईयर सितंबर में चाइना ने अनाउंस किया कि 2060 तक वो नेट जीरो एमिशंस अचीव कर लेगा, और ये एक बहुत बड़ा क्लेम है क्योंकि चाइना ने उस वक्त कोल प्लांट्स के बारे में कोई फैसला नहीं लिया था। लंदन की ट्रांजिशन जीरो एक संस्था है जो पावर जनरेशन और इनमें लगने वाले फाइनेंस की स्टडी के बेसिस पर रिपोर्ट्स रिलीज करती है। इसके को चीफ एग्जीक्यूटिव मैथ्यू ग्रे का इस साल अप्रैल में कहना था कि अगर चाइना ये टारगेट नहीं अचीव कर पाया तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को बहुत भयानक तौर पे चुकानी पड़ेगी। उनका ये कहने का रीज़न इसलिए भी था क्योंकि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर यानी कि GEM के मुताबिक चाइना के ये ऑलमोस्ट 50 बिलियन US डॉलर का फंड है, जो कि दुनिया के 44 प्लांट्स में लगा हुआ है या फिर फंड होने के लिए सैंक्शनड है। अब अगर ये प्लांट्स बंद हो जाते हैं तो फ्यूचर में हर साल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 200 मिलियन टन्स तक कम किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 200 मिलियन टन्स। हालांकि UN रिपोर्ट प्रोग्राम की 2020 की रिपोर्ट्स की माने तो 2010 से लेकर 2019 के बीच में दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट चाइना ने ही की है, इवन यूरोपियन यूनियन के कंबाइंड देशों से भी ज़्यादा। हालांकि 2019 की चाइना की रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट 2018 के मुकाबले 8% कम हुई थी, जबकि USA ने यही इन्वेस्टमेंट 2018 के मुकाबले 28% बढ़ाई थी, और ये इंक्रीमेंट ड्रेस्टिकली 1223% बढ़ाई थी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने और उसके बाद ताइवान ने 390% तक इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। आप ये दोनों रिपोर्ट्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों एक बात बहुत बारीक सी है, जैसे रीडिंग बिटवीन द लाइंस कहते हैं, चाइना ने उन कोल पावर्ड प्लांट्स के फंड को बंद करने का ऐलान किया है जिनको चाइना फॉरेन लैंड्स पर स्पॉन्सर कर रहा था या कर रहा है, या फिर वो प्लांट्स प्रपोज थे। लेकिन चाइना की अपने कोल प्लांट, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये साल जुलाई के एंड में चाइना के हिनान प्रोविंस में जेंजोउ सिटी में आई बाढ़ की है। चाइना की दूसरी सबसे बड़ी नदी येलो रिवर के किनारे बसा ये शहर इस साल जुलाई और अगस्त में इस कदर तक डूब चुका था, और कई जगहों पर भी बाढ़ आई थी। चाइना के ही कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले 1000 सालों में चाइना ने ऐसी बाढ़ नहीं देखी। तकरीबन 1,000,000 लोगों को अपने घर बदलने पड़े, और कुछ ऐसा ही हाल 2020 और 2019 में हुआ था। वेस्ट जर्मनी और वेस्टर्न यूरोप के कुछ पार्ट्स में इस साल बहुत भयानक बाढ़ आई थी। आपने कनाडा के शहर वैंकूवर का नाम सुना होगा। कनाडा के स्टेट ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिटल विक्टोरिया से थोड़ी दूर लिटन नाम की जगह पर इस साल बहुत ही भयानक आग लगी थी। सितंबर 22 को ब्रिटिश कोलंबिया के वाइल्ड फायर ऑफिस ने रिपोर्ट किया कि वाइल्ड फायर्स ने सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया राज्य का 2017 में 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल का एरिया और 2018 में तकरीबन 13,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जला दिया। और इंडिया में तो पिछले कई सालों में ऐसा एक भी साल नहीं रहा है कि जब बरसात के मौसम में इंडिया के 5 से ज़्यादा राज्यों में बाढ़ नहीं आई। जी हाँ, 5 से ज़्यादा राज्यों में बाढ़। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि हम सभी के लिए ये एक क्लैरियन कॉल है। जैसे कि युवल हरारी ने कहा,
कि अब नेशनलिज्म से ज्यादा जरूरी ग्लोबलिज्म है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इंडिया के बिगड़ते वेदर का असर सिर्फ इंडिया पर पड़े, वो पूरे साउथ एशिया पर पड़ेगा। अपने लीडर से सवाल करिए कि वो क्लाइमेट और अर्थ के एनवायरनमेंट, बाढ़ को लेकर आपके लिए क्या विजन रखते हैं, और जब विजन रख दें तो उनसे सवाल करिए कि क्लाइमेट चेंज के इस विजन पर जरूरी काम क्यों नहीं हुआ, और सबसे ज्यादा खुद अवेयर रहिए। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इंडिया और चाइना जैसे डेवलपिंग नेशंस को लेने चाहिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।